सेहत इज स्पॉन्सर्ड बाय मार्क लैब इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच। मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच जिसमें है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंक और विटामिन सी। कोरोना को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे डार्क सर्कल्स यानी आंखों के नीचे काले घेरों के बारे में, इनसे कैसे निपटे। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, एक सफ़ेद बाल तोड़ने के बाद और सफ़ेद बाल निकल आते हैं क्या। और तीसरा सेगमेंट है खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे अगर हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं तो क्या खाएं। हम आपसे रोज कहते हैं कि अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर करिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। हमें रोज कई मेल्स भी आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की दिक्कत दूर की जाए। अब एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसके बारे में पढ़कर लगा कि ये जगत परेशानी है, डार्क सर्कल्स यानी आंखों के नीचे काले घेरे। बहुत आम है, मेरे भी हैं। अब बहुत लोग चाहते हैं कि हम उनके बारे में बात करें। बहुत सारे मेल्स आए हैं जो कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, जैसे पूरी नींद लेने के बावजूद डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं, इनसे बचने का क्या कोई तरीका है, और सबसे बड़ी चीज इसका इलाज क्या है। तो चलिए इस जगत परेशानी का हल ढूंढते हैं। अंडर आई डार्क सर्कल्स होने के कई कारण होते हैं। सबसे आम कारण है फैमिलियल। अगर हम आपकी फैमिली में माता पिता को, भाई बहन को अंडर आई डार्क सर्कल्स है तो ज्यादा चांस है कि आपको भी हो सकता है। दूसरा आम कारण है विटामिन डेफिशिएंसी, यानी कि अगर आपको एनीमिया हो, खून की कमी हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, तब भी आंखों के नीचे कालापन आ सकता है। तीसरा आम कारण जो आजकल हम यंगस्टर्स में देखते हैं कि फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब का ज़्यादा एक्सपोजर होता है और ज़्यादा लंबे समय तक होता है। बिना ब्रेक लिए आप बहुत टाइम तक अपनी आँखों को स्ट्रेस देते हैं, तब अंडर आई डार्क सर्कल्स और बढ़ जाते हैं। चौथा कारण है हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स। अगर आप पानी कम पीते हो, नींद पूरी नहीं लेते हो, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जैसी हैबिट्स रखते हो, तो आप आँखों के नीचे कालापन बढ़ जाता है। और फाइनली है एजिंग। जैसे हम एज करते हैं, हमारी आँखों के नीचे रिंकल्स आते हैं, स्किन पतली हो जाती है और फैट पैक्स कम हो जाते हैं, इस वजह से भी अंडर आई डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। जैसे कि आप सारे कॉजेस समझ चुके हैं, प्रिवेंशन करना बहुत ही आसान होगा। अपना ख्याल रखें, ब्लड टेस्ट रेगुलरली करें ताकि हमें पता चले कि आपको एनीमिया है या नहीं, और उसे ट्रीट करें। पानी ज़्यादा पिए, नींद पूरी लें, 6 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। स्क्रीन टाइम कम करें, ब्लू लाइट फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं, अपना स्क्रीन का ब्राइटनेस कम करें। इन सब चीज़ों से आपकी आईज ज़्यादा ईजिली टायर नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा लंबे घंटे काम करते हैं, अगर आप आधा घंटा काम करते हैं, आप 5 मिनट का रेस्ट दें अपनी आंखों को, ताकि आपकी आंखें एकदम टायर ना हो और डार्क सर्कल्स ना बने। आंखों के अराउंड जो स्किन है उसका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप मेकअप लगाते हो, काजल, मस्कारा, लाइनर, इन सबको सोने से पहले ज़रूर निकालें। एक मॉइस्चराइजर लगाएं और बाहर जाने से पहले, धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर कीजिए। डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं, सवाल का जवाब तो मिल गया, पर अब जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में जो आपके बड़े काम आ सकते हैं। साथ ही अगर घरेलू नुस्खों से काम नहीं बन रहा है तो फिर क्या किया जाए। अब बात करते हैं अंडर आई के होम रेमेडीज के बारे में। कोई भी होम रेमेडी यूज करने से पहले हमें समझना होगा कि अंडर आई एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए इस पर कुछ भी यूज करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हम इस एरिया को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइज करने के लिए आप इधर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो, या हनी का इस्तेमाल। पहले हमें एलोवेरा जेल को लगाना है आइस पे और उसको 5 मिनट तक सूखने देना है। उसके बाद आप इधर पटेटो को क्रश करें, उसका जूस निकालें, उसमें कॉटन पैड को सोख करके फ्रिज में रखिए 2 घंटे के लिए। फिर उसको अपने आइस पर लगाइए, 10-20 मिनट्स के लिए आप रिलैक्स कीजिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, पानी 2 से 4 लीटर हमें पीना ही चाहिए। ये सारे घरेलू नुस्खे करने के बावजूद अगर आपको असर नहीं दिखता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो 2 चीज़ों का एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, या अंडर आई हॉलोनेस है, या खड्डे हैं।
अगर आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स आपको केमिकल पील सजेस्ट कर सकते हैं, क्यूस्विच लेजर सजेस्ट कर सकते हैं, या इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट जैसे PRP मीजोथेरेपी भी सजेस्ट किया जा सकता है। पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट्स आप जब डॉक्टर के पास करते हो उनको 4 से 5 सेशन तक लगते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन नहीं है और गड्ढे हैं तो डॉक्टर्स आपको हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट बताते हैं जिसमें वो आपके गड्ढों को भरते हैं, उसका रिजल्ट आपको 6 to 9 मंथ्स तक रहता है। तो भाई जितने लोग डार्क सर्कल से परेशान हैं वो इन बातों पर ज़रूर तवज्जो दें कि ट्रिक्स अप्लाएँ और हमें ज़रूर बताएँ कि कितना फ़ायदा हुआ। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि उम्र से पहले बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पर एक चीज़ और बहुत कॉमन है, हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि एक दो सफ़ेद बाल दिखे उन्हें तोड़ दिया। पर क्या आपने भी बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना है कि अगर एक सफ़ेद बाल तोड़ोगे तो उसकी जगह 10 और सफ़ेद बाल निकल आएंगे? मैंने तो सुना है। तो क्या ये सच है? जवाब है नहीं, ये सिर्फ एक मिथक है। आप अगर एक सफ़ेद बाल तोड़ोगे तो उसकी जगह वहीं पर एक सफ़ेद बाल और निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आपका जो स्कैल्प होता है ना, यानी आपकी जो खोपड़ी है, इसमें होते हैं फॉलिकल, यानी एक ग्लैंड, एक ग्रंथि। ये आपकी बालों की जड़ों में होता है। अब इस ग्रंथि से आपके बाल निकलते हैं। हर एक ग्रंथि से एक ही बाल निकलता है, यानी हर एक फॉलिकल से एक ही बाल निकलता है, चाहे वो काला हो या सफ़ेद। तो अगर आपने एक बाल तोड़ा तो उसकी जगह उसी ग्रंथि से दूसरा बाल निकलेगा, उसी रंग का जिस रंग का आपने तोड़ा था। उसके आसपास के बाल अपने आप सफ़ेद नहीं हो जाएंगे तब तक जब तक दूसरे फॉलिकल्स के अंदर मौजूद जो पिगमेंट ख़त्म नहीं हो जाता, वो पिगमेंट जो बालों के अंदर मौजूद होता है और उनको कलर देता है। चलो ये डाउट तो क्लियर हो गया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने सफ़ेद बाल तोड़ने लगे। आपको अपने बाल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही ग्रंथि से निकल रहा बाल, सफ़ेद बाल, बार बार तोड़ते रहेंगे तो आप उस ग्रंथि को डैमेज कर रहे हैं, फॉलिकल को डैमेज कर रहे हैं। नतीजा होगा कि आपका जो बाल है वो समय के साथ पतला हो जाएगा और कुछ समय बाद वो ग्रंथि इतनी डैमेज हो चुकी होगी कि नया बाल निकलेगा ही नहीं। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अगर समय से पहले आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, जोड़ों में दर्द है, तो एक बात साफ है, क्या आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है? हाँ हाँ, दूध पीते हैं ये सोचकर कि कैल्शियम तो मिल रहा है, हड्डियां मजबूत रहेंगी। गलत। अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं होगा तो आपका शरीर कैल्शियम अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए शरीर को विटामिन डी की ज़रूरत होती है और वो तो आपके शरीर में है नहीं। नतीजा, कमज़ोर हड्डियाँ, साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो फिर क्या किया जाए? भाई डाइट में विटामिन डी लिए, अव्वल तो 12 बजे दोपहर से पहले वाली धूप लीजिए, धूप शरीर को लगना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप वेज खाते हैं तो फिर मशरूम, चीज़, दही, सोया मिल्क, ओटमील और सीरियल जैसी चीज़ें खाइए। अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडे और फिश अपनी डाइट में लीजिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हैं अमितेश, ये वीडियो एडिट करते हैं रोहित, ग्राफिक्स बनाते हैं विभव और तरुण। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।